आप सभी को ईद मुबारक, बकरा ईद की पाकिस्तानी लोगों। घर का एक कमरा है जहाँ पर हम और बच्चे टीवी देखते हैं, उसी कमरे में मौजूद हूँ। तो अभी आज के व्यूज जो होंगे, आज के जो सीन होंगे ईद के हवाले से, अपनी इस वीडियो में आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊं और आप भी हमारी इस वीडियो को एंजॉय करें। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अब गोश्त पक चुका है, अब गोश्त को हम खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बहुत मज़े का गोश्त बना हुआ है, बस अब बिल्कुल इसको खाने ही लगे हैं हम। ये हमारे हमसायों का बच्चा है और इसका नाम है नबील। इसकी सबसे अच्छी मुझे एक चीज़ ये लगी है कि लोगों ने अभी कुर्बानी नहीं करी, जानवर की कुर्बानी अभी तक करी नहीं है, और ये सुबह 6 बजे, पूरे 6 बजे अपने कीमे वाली मशीन रेडी करके बैठ गया है। इसके जब ये मैंने चीज़ सुबह 6 बजे जब हम नमाज के लिए मैं निकला तो इसको मशीन रेडी करते मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत हंसी भी आई। अब मुझे अपने बाढ़ दिखा रहा है। साल और अबू हुरैरा, ये दोनों बारबेक्यू की तैयारी करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने थोड़ा सा गोश्त लिया है, ये दोनों बारबेक्यू अब करने लगे हैं। गोश्त को ऐसे काट रहे हैं कि जैसे ये कसाई है, बिल्कुल जिस तरह कसाई अपने पाँव में छुरी रख कर गोश्त काटता है, ये भी बिल्कुल ऐसे इस गोश्त को काट रहे हैं। ये गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं जिस तरह इन्होंने ग्रिल कढ़ाई करनी है। इन्होंने जो अंगीठी है वो अपने घर में बनानी है इंडों की मदद से, और उसमें इस तरह इन्होंने लकड़ियाँ भी जलानी है। अब आपको बहुत अच्छा लगेगा, इन्होंने जो वो अंगीठी बनानी है वो किस तरह की अंगीठी इन्होंने बनाई होगी, और उसके ऊपर जो ग्रिल इन्होंने लगानी है, फिर उसमें लकड़ियाँ इसको इन्होंने जलानी है। तो वो बड़ा अच्छी एक बच्चों में चीज़ है कि इस तरह बड़े लोग करते हैं, वैसे छोटे छोटे बच्चे भी ये कर रहे हैं। अभी ये गोश्त साफ़ कर रहे हैं और दूसरा अबू हुरैरा वो देख रहा है टीवी भी, साथ टीवी में वो ड्रामा लगा हुआ है, ड्रामा देख रहा है। नागन वाला ड्रामा आता है हमारे यहाँ, केबल तो नहीं लगी, मैंने डिश लगवाई हुई है उस पर कोई नागन वाला ड्रामा आता है, वो देखता है। और ये साथ गोश्त भी तैयार कर रहे हैं।
गर्मी बहुत ज़्यादा, शाम को, दिन को तो काफ़ी अच्छा मौसम था। मैंने आपको बताया भी था कि बारिश पड़ी है, अभी शाम को फिर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी से इनका बुरा हाल हुआ हुआ है। साथ से इन्होंने सुबह गोश्त भी इकट्ठा करते रहे हैं अपने दोस्तों के घरों से। तो मैं करीब से दिखाता हूँ आपको किस तरह ये गोश्त है जी। ये बीफ का गोश्त है, इसको छोटे छोटे टुकड़े काट रहे हैं। अब ये अब बारी बारी थोड़ी बोटियाँ वो करता है, थोड़ी बोटियों के टुकड़े वो करता है, छोटे छोटे बारबेक्यू करने के लिए। हम दोनों ये मास्टर हैं, छुरी बड़ी तेज़ है हमने लगवाई हुई है। ये छुरी हमारी जो होती है ये कटर होता है, हम दूसरी छुरी नहीं रखते, कटर रखते हैं। कटर को थोड़ा सा हम ज़मीन पर रगड़े तो बिल्कुल तेज़ हो जाता है। तो घर में अगर आप छुरी नमाओ, जो कटर होता है वो मार्केट से पूछे तो वो रखे, वो बड़ी तेज़ होती है। जो भी आप उससे चीज़ काटेंगे बहुत जल्द कटेगी। और ये जब आप ज़मीन पर रगड़ेंगे इसको, छुरी लगे जिस तरह साई रगड़ते हैं, तो ये बहुत जल्द तेज़ हो जाती है। ये सबसे अच्छी छुरी होती है। उन्हें बोले कि हमें जो छुरी देनी है कटर कटर नुमा छुरी दे, जो बारीक छुरी होती है, ये ज़बरदस्त छुरी होती है। अब इनकी तैयारी बस कंप्लीट होने वाली है गोश्त की, बारबेक्यू करने की। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, शुरू में छोटे छोटे मैंने आपको पीस भी दिखाए थे, तीन तीन चार चार सेकंड के, तो मेरी वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें आनी होती है, ताकि देखने वाले को पता चल जाए कि हमारी वीडियो इस कैटेगरी की है, उसमें ये चीज़ें सब दिखाई जाएंगी। तो अभी ये अंगीठी बना बना चुका है, साथ ही लकड़ियाँ लेकर आया है छोटी छोटी। ये लकड़ियाँ भी हमारी अपनी हैं, हमारे जो घर में दरख्त लगा हुआ है उसकी लकड़ियाँ हमने उतारी हुई थी पहले ही, जब सर्दियाँ थी, तो अब वो सूख गई हैं। तो अब वो हम तोड़ रहे हैं बारबेक्यू करने के लिए। ये ग्रिल बारबेक्यू, ये बारबेक्यू कर रहे हैं मेरे बच्चे। बारबेक्यू एक, मैं आपको बात बताऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बारबेक्यू बिल्कुल पसंद नहीं करता। ख़ासकर जो ये जिस तरह ये बच्चे या कोई घर बनाते हैं इसमें रह जाते हैं, इनसे कोई थोड़ा कच्चा रह जाता है तो मुझे उसका मज़ा नहीं आता। हाँ, मार्केट वाले जो बारबेक्यू होती है वो अच्छी करते हैं, अच्छी बनाते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं। इन्होंने कभी कभी बनानी होती है, इनको अंदाज़ा नहीं होता। अब ये नीचे मुसलसल आग जलाया जा रहा है, कोयले से इसको नहीं सेक रहा। अब ये आग से जो गोश्त होगा वो काला पड़ जाएगा, तो अंदर से गलेगा भी नहीं। अब इसको मैं बोल भी रहा हूँ लेकिन ये मान नहीं रहा, तो बोल रहा हूँ कि इसको कोयले को, बस कोयले से इसको जलने वो सुलगाओ, ताकि उससे सेक पहुँचे और गोश्त अच्छा गले। अब ये दोनों मास्टर बने हुए हैं, अब मास्टरी दिखा रहे हैं दोनों कि ये हमने बारहवीं कंप्लीट ही करनी है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।